रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रवासी मजदूरों को लेकर चर्चा कर सकते हैं पीएम। बीते दिन सभी मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम ने की थी चर्चा। देश भर में कोरोना वायरस का कोहराम जारी। 70,000 के पार हुआ कोरोना से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा। 2,293 लोगों ने गवाई जान। अब तक 22,000 से ज्यादा लोगों को किया गया ठीक। कर्मचारी के पॉजिटिव आने के बाद एयर इंडिया का ऑफिस 2 दिन के लिए बंद। संक्रमित पाए गए 5 पायलट दोबारा जांच करने पर मिले नेगेटिव। कई देशों में कार्गो उड़ानों का संचालन कर रही है एयर इंडिया। कोरोना संकट के बीच उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ ने ग्राम रोजगार सेवकों को दी बड़ी आर्थिक मदद। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के जरिए मनरेगा मजदूरों के खाते में डाले 225 करोड़ रुपए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का पीएम मोदी पर आरोप। कहा अगर पीएम के पास लॉकडाउन को लेकर समझ होती तो वो लोगों को वापस लौटने के लिए 3-4 दिन का वक्त जरूर देते। उन्होंने सिर्फ जनता कर्फ्यू और ताली थाली बजाने के दिए निर्देश। पीएम खुद को ताकतवर साबित करने के लिए पहले फैसले लेते हैं और बाद में सोचते हैं। एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर बोला हमला। कहा बाहर फंसे मजदूरों और छात्रों को लेकर राज्य सरकार ने समय रहते सही कदम नहीं उठाए। प्रवासी श्रमिकों की वापसी के इंतजाम से हम संतुष्ट नहीं। मध्य प्रदेश में बड़ा फेरबदल। लॉकडाउन के बीच 50 आईएएस अधिकारियों के हुए तबादले। 1985 बैच के आईएएस अधिकारी एम गोपाल रेड्डी को ग्वालियर राजस्व मंडल का बनाया गया अध्यक्ष। फिक्की की प्रेसिडेंट संगीता रेड्डी ने वित्त मंत्री को लिखा लेटर। लिखा इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए चाहिए 4.5 लाख करोड़। सरकार तत्काल जारी करे 2.5 लाख करोड़ रुपए। कोरोना के आंकड़ों को लेकर किरकिरे का सामना कर रही पश्चिम बंगाल सरकार ने की बड़ी कार्रवाई। ममता सरकार ने स्वास्थ्य सचिव विवेक कुमार का किया तबादला। नारायण स्वरूप निगम को मिली जिम्मेदारी। एयर इंडिया ने जारी किया वंदे भारत मिशन का पूरा शेड्यूल। 17 मई तक होगी वतन वापसी। पिछले 24 घंटे में 800 से ज्यादा भारतीयों की हुई घर वापसी। वंदे भारत मिशन के तहत लंदन से बेंगलुरु पहुंचे 320 यात्री थर्मल स्क्रीनिंग के बाद किए गए क्वारंटीन। विदेश से लौट रहे यात्रियों को 14 दिन के लिए किया जाएगा क्वारंटीन। भारत चीन सीमा पर बढ़ी तनातनी। 2 बार झड़प के बाद चीन ने एलएसी पर उड़ाया हेलीकॉप्टर। भारत ने मैदान में उतारे लड़ाकू विमान। चीन के वुहान शहर से शुरू हुए कोरोना वायरस ने दुनिया भर में मचाई तबाही। अब तक 42,56,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमितों की हुई पुष्टि। 2,87,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। 15 लाख से ज्यादा लोगों को किया गया ठीक। अमेरिका में कोरोना से मौत का आंकड़ा 80,000 के पार। 13 लाख से ज्यादा लोग हुए कोरोना से बीमार। ट्रंप बोले हम इस भयानक दुश्मन को हरा देंगे। लॉकडाउन के बाद महंगा हो सकता है पेट्रोल डीजल। तेल कंपनियां पेट्रोल और डीजल के खुदरा मूल्य पर रोजाना कर सकती हैं संशोधन। केंद्र सरकार ने राशन कार्ड पर बदले नियम। अब 30 सितंबर तक आधार से लिंक करा सकेंगे राशन कार्ड। बिना रुकावट मिलता रहेगा सामान। करीब 80 करोड़ लोगों को मिली राहत। रियो पैरालंपिक की मेडलिस्ट दीपा मलिक का संन्यास। अब बतौर पीसीआई अध्यक्ष करेंगी काम। कहा मेडल जीतना सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं, पैरा स्पोर्ट्स के लिए जागरूकता ला सकी यही मेरी सबसे बड़ी कामयाबी। भारत की स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने रचा इतिहास। फेड का फर्स्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय। इनामी राशि तेलंगाना सरकार को दी दान। कोरोना वॉरियर्स को सेलेब्स का सलाम। अक्षय माधुरी करण और कार्तिक ने बदली डीपी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाया महाराष्ट्र पुलिस का लोगो। 63 साल के अनिल कपूर का मोटिवेशनल नोट। लिखा इम्यूनिटी बढ़ाकर ही कोविड-19 से लड़ा जा सकता है। अनिल इंस्टा पर शेयर की पोस्ट। क्योंकि जिंदगी अभी बाकी है। लॉकडाउन में हम और आप संघर्ष जरूर कर रहे हैं लेकिन एक नई उम्मीद के साथ। कोरोना के बाद हम और आप एक नई उम्मीद के साथ जीवन में कुछ नया करने का संकल्प लेंगे।